गुड मॉर्निंग। आज हम कराएंगे धुनों का गुण और गुणों। कल हमने इनके बारे में केवल एक सिद्धांत बताया था कि धुरंधर किस प्रकार बंद होते हैं, किस प्रकार होते हैं। इसमें तीन सिद्धांत है, जिसमें पहले सिद्धांत आपको बताया गया था मान सर्करा सिद्धांत, दूसरा स्टीवर्ड परिकल्पना। मुख्य जो सिद्धांत वो है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। सबसे सामान्य और इसी के आधार पर वास्तव में रंधों का खुलना बंद होना संभव होता है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है। एक आपको रंधों की सफलता प्राप्त चाहिए, द्वार को सिखाएं, सहायक को सिखाएं, वो चार नाम लिख रहे हैं और इस प्रकार वो दोनों डायग्राम रंध खुलना बंद होना वो डायग्राम आपको आना चाहिए। परीक्षा में उसकी सफलता सकती है और ये मुख्य सिद्धांत सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। यह सिद्धांत इमाउरा और किबिनो द्वारा दिया गया था। बाद में डेविड ने संशोधित करके इस सिद्धांत को मान्य किया और वास्तव में जो रंधों का खुलना बंद होने इस सिद्धांत के आधार पर है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि पौधों में दिन के समय क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण आप जानते हो। इसके लिए हमें जड़ों द्वारा अवशोषित पानी और पत्तियां वायुमंडल से CO2 लेकर सूर्य के प्रकाश की प्रजेंस में भोजन बनाती है। यदि इस क्रिया में पत्तियों में CO2 की मात्रा में कमी आ जाती है, जैसे पहले बताया कि रंध्र खुलने में इसका विशेष योगदान है कि जब पौधों में दिन के समय क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के कारण पत्तियों में CO2 की कमी आ जाती है और रंध्रों की द्वार कोशिका में क्या बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो मैली कम्बल में परिवर्तित हो जाता है। इसका सूत्र होता है कि ये संख्या मैली कम्बल की CH OH COOH और CH2COOH, ये मैली कम्बल की संरचना है, इसमें परिवर्तित हो जाता है। जब कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम हो जाती है तो ये जो मैली कम्बल है इसका क्या हो जाता है, नियोजन, यानी ये जो मैली कम्बल है वो एक्साइन में परिवर्तित हो जाता है, मैली काइन और एक्साइन। इस प्रकार सूत्र आपको दूसरी मैं बता रहा हूँ, आप तब सूत्र दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक्साइन डाल देगा प्लस एक्साइन, यानी कि यह मैली कम्बल द्वार कोशिका में मैली काइन में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा होने पर जो सहायक कोशिकाएं हैं रंध्रों में चारों ओर जो सहायक कोशिकाएं हैं उसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम आयन जो होता है वो क्या होता है, द्वार कोशिका में प्रवेश कर जाता है। जब मैली काइन बन जाता है तो सहायक कोशिकाओं से जो पोटेशियम आयन है वो द्वार कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं और हाइड्रोजन को वहां से हटा देते हैं। तो एक्साइन उसको हटा दे और ये जो मैली काइन है वो के सेंटीमीटर का बना है पोटेशियम मिले या मिले की होती है। आपको ये जो मिले काइन है प्लस के ये बन जाएगा पोटेशियम मिले तो यहाँ पोटेशियम मिलेट बन जाता, जिससे द्वार कोशिका में प्लाज्मा सांद्रता वृद्धि हो जाती है। अर्थात ये द्वार कोशिका जल है वो प्रवेश कर जाता है, जिससे इसके बोलते हैं अंतःप्राश्न, यानी द्वार कोशिका में प्लाज्मा सांद्रता वृद्धि होने से अंतःप्राश्न क्रिया के द्वारा जल है वो प्रवेश कर जाता है और द्वार कोशिका कंजुक्ट यानी स्प्रिंग हो जाती है और अंदर खुल जाते हैं। ये रंध्र खोलने का प्रोसेस। अब रंध्र बंद कैसे होते हैं, क्योंकि
शाहराजी में क्या होता है इस प्रकाश की होती नहीं है और यहाँ क्या होता है में वृद्धि होती है क्योंकि रात्रि के समय प्रकाश बंद होने से पत्तियों में सीओटू की सांद्रता बढ़ती है जिससे क्या होता है एबिसिक अम्ल आगमन का श्रम होता है वो आगमन क्या करता है कि द्वार कोशिकाओं से केराइन को बाहर निकाल देते हैं पुनः क्या बन जाएगा मिले और वो वापस वेनिन अम्ल में प्रवृत्त हो जाता है इससे प्राश्न की सांद्रता में कमी हो जाती है और जल्द वो बाहर निकलता है इसे बोलते हैं बही प्राश्न इस प्रकार बही प्राश्न के द्वारा बंद है वो बंद हो जाते हैं तो बोर्ड की दृष्टि से बोर्ड में पूछा जाता है पोटेशियम सक्रिय सिद्धांत के द्वारा यह दो नंबर कहा जाता है कि सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण के द्वारा रंध्रों के खुलने बंद होने की प्रक्रिया को समझाइए ये इसकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है बुक में आपको ये चार्ट दिया हुआ है सूत्र नहीं है सूत्र मैंने आपको लिख दिए है आपका आप इस दौड़ना की जरूरत नहीं है ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है इसके बाद आता है कारक यानी कि वाष्प और संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक साधारण से आप उत्तर पढ़ने में बहुत आसान है थोड़ा संक्षेप में आपको बता देता हूँ पहला कारक है इसमें एक होता है बाह्य कारक एक होता है आंतरिक कारक बाह्य कारक में प्रकाश वायु मिट्टी में जल और तापमान यानी कि वाष्प और संतुलन को प्रभावित करने वाले बाह्य हैं चार कारक है प्रकाश वायु मिट्टी में जल की मात्रा और तापमान पहला है प्रकाश आप जानते हो कि वाष्प उत्सर्जन जो प्रक्रिया है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में उसको प्रकाश ही प्रभावित करता है कि प्रकाश की प्रेजेंस में क्या होता है रंध्रों का खुलना बंद होना वो होता है आप देखा होगा जो पौधे प्रकाश के संपर्क में रहते हैं उनमें सामान्य क्रिया होती है लेकिन जो छाए होते हैं वो पौधे क्या अधिक लंबे भी हो जाते हैं उनमें क्रिया कम होती है तो जितना अधिक प्रकाश मिलता है उतना ही ये जो वास्तव क्रिया है वो अधिक संपन्न होती है वायु अब ये वायु देखा अधिक तेज वायु चलती है या शुष्क वायु होती है तो रंध्र से जल है वो अधिक स्थापित होता है यानी कि वायु भी वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करती है उसके बाद मिट्टी में जल की उपलब्धता जब पौधों में मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होगी उसमें जल का अधिक वाष्प उत्सर्जन होगा अगर कम होगा तो मात्रा कम होने के लिए क्या होता है कि भूमि में जल की मात्रा में कमी आ जाती है उधर अधिक तापमान अधिक गर्मी होती है इस कारण क्या होता है पौधे वो मुरझा जाते हैं उसके बाद में तापमान तापमान अधिक प्रभावित करता है अगर वातावरण में नमी नहीं है अधिक गर्मी है तो वास्तव उस फसल की क्रिया बहुत अधिक होती है तो ये तो सामान्य आ जाता है नंबर का कि वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले चार कारकों के नाम ये कारक आंतरिक आंतरिक में तीन कारक एक तो पत्ती की संरचना मूल प्रयोग का अनुपात और पत्ती का विन्यास यानी कि पहला है पत्ती की संरचना आप जानते हो अभी कल बताया था मैंने कि पत्तियों में रंध्र बाह्यस्थापी होते हैं भित्रिक भी होते हैं दोनों ओर होते हैं एक तरफ होते हैं तो ये निर्भर करता है रंध्रों संख्या पर जितने पत्ती की सतह पर रंध्रों संख्या ज्यादा होगी ये क्रिया अधिक होती है और जिन पत्तियों में कुटिकल है या अन्य कोई वर्त है उस क्रिया को रोकते हैं रोक यानी कि वास्तव संस्क्रिया जो है उसको क्रिटिकल है वो होती है एक मूल प्रो अनुपात की मूल प्रो अनुपात वृद्धि से पौधों में वास्तव जितनी मूल अधिक फैलती है अधिक मूल्रो होंगे जल को
चौथी गति के विन्यास कि पृथ्वियों पर गिरने वाले किरण या प्रकाश विद्युत प्रक्रिया करता है, वाष्प संयोग करता है। तो जितने पृथ्वियां प्रकाश करके संपर्क में आएगी, जितने सूर्य के किरणों के अधिक पड़ेगी, उसमें अधिक जल क्या होता है, वाष्प होता है। तो ये है इसके कारण। अब इसके उपयोग में क्या महत्व है, ये क्रिया बहुत महत्व की है। पौधों में ये क्रिया अति आवश्यक है। अगर ये पौधों में बुराई भी है, क्योंकि इस क्रिया में अधिकांश जल वो वाष्प हो जाता है, फिर इसका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वाष्प को सदन के कारण ही रसारोहण प्रक्रिया होती है, जल है वो इसी कारण पत्तियों में पहुंचता है। दूसरा, ये वातावरण के तापमान को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जल जब नमी में बाहर निकलता है वास्तव में, तो नमी होने से आसपास का जो वातावरण वो ठंडा रहता है। इसके बाद जो जल अतिरिक्त तत्व को वास्तव में परिवर्तित कर देती है। ये था वास्तव सदन। लास्ट बिंदु है बिंदु स्राव है, जो कहते हैं कि कैसे अगर आपने सुबह सर आजकल तो सुबह निकलते हैं, घास होती है उसके सुबह अगले सिरों पर पानी की बूंदे दिखते हैं, उसकी बूंदे बोल देते हैं। ये बूंदे कैसे आई, ये जो पत्तियाँ होती है इनके ऊपरी सिरे पर कुछ छोटे छोटे कटाव होते हैं, छिद्र होते हैं, उनके द्वारा जल है वो बाहर निकलता है, वो वाष्प बन जाए परिवर्तित होकर, क्योंकि कम ताप होता है वो बूंदों के रूप में आता है। इसे क्या कहते हैं, विद्युत स्राव। यानी पत्तियों के उपांतों यानी कि माइग्रेन्स में जल की छोटी छोटी बूंदों का जो स्राव है वो क्या विद्युत स्राव कहलाता है। और ये सुबह है जिसका स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि कम ताप की उपस्थिति होता है। ये क्या होता है, पत्तियों के अंदर क्या होती है, जैसे सिराएं होती है, तो वो सिराओं क्या होता है, पत्तियों के सिरों से खुली होती है और वहाँ जल रंध्र होते हैं, वो जल रंध्र के द्वारा जल है वो बाहर निकाल देते हैं। ये विद्युत स्राव होता है। एक होता है रस स्राव, जब पौधों को जब छाल को काट देते हैं, जो हम उसमें क्या विशेष प्रकार का द्रव निकलता है उसे रस स्राव कहते हैं। क्योंकि पौधों की जाइलम कोश का रस क्या होता है, मूल से पत्तियों में जाता है, तो उसमें पौधों कटिंग कर देते हैं, वो क्या है बाहर निकलने लगता है, और इसे क्या कहते हैं, रस स्राव कहते हैं। तो ये था आपका वास्तु सृजन। इसमें मुख्य बात है तो रंग की संरचना, दोनों खुलना और बंद होना, श्रद्धा दोनों में क्या सकती है, एक सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, इसमें दोनों सिद्धांत मैंने बोर्ड पर लिख दिया, बुक में दिए हुए न्यूट्रिशन में पूछ सकता है, और कारक बाह्य कारक और आंतरिक कारक के नाम याद कर लेंगे, और बिंदु स्राव की परिभाषा। ये था आपका वास्तु सृजन। कल इकाई नेक्स्ट इकाई पासपोर्ट में खनिज पोषण, क्योंकि बहुत आसान इकाई है, जान सकने भी आप तुम्हारे पास है तो आप वो साथ साथ याद हो जाएंगे, नोट साइड उसके आपको दे दिए होंगे, दे देंगे तो उसको ध्यान से याद कर लेंगे। थैंक यू।